बात करते हैं बहुत ही मेजर डेवलपमेंट इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड आज के द हिंदू के आर्टिकल में कंडक्ट की गई। अग्रीड टू 4 डे सीज फायर। इजराइल एंड हमास बोथ इन्वॉल्व इन द वॉर कॉन्फ्लिक्ट हैज अग्रीड टू 4 डे सीज फायर इन गाजा। चलिए यहां पर देख सकते हैं इजराइल एंड हमास अग्रीड टू 4 डे सीज फायर इन गाजा। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। काफी समय से G7 के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, सभी के द्वारा प्रेशर पुट किया गया था इसराइल और हमास के ऊपर ताकि एक सीज फायर कंडक्ट किया जा सके, सिविलियंस के लिए सेफ कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस यहां पर लाए जा सके। और इसी की ट्रूस डील आप यहां पर देख सकते हैं। हमास टू रिलीज 50 होस्टेजेस। हमास यहां पर 50 होस्टेजेस रिलीज करेगा इसराइल के, और इसराइल रिलीज करेगा 150 पैलेस्टीनियंस को। ट्रूस टू बी एक्सटेंडेड एट एन एक्स्ट्रा डे फॉर एडिशनल 10 होस्टेजेस। तो 4 दिन का एडिशन, 4 दिन का होस्टेजेस को फ्री करने का सीज फायर कंडक्ट किया गया है। नेतान्यू वॉज टू रिज्यूम वॉर आफ्टर ट्रूस। तो बेंजामिन नेतान्यू ने यहां पर साइंस दिए हैं कि 4 दिन के बाद में ये दोबारा हमले स्टार्ट करेंगे हमास के ऊपर। इस आर्टिकल के बारे में हम बात करें, इसराइल एंड हमास अग्रीड टू 4 डे सीज फायर, ए डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू डेट विल फ्री डजन्स ऑफ होस्टेजेस हेल्ड बाय मिलिटेंट्स एज वेल एज पैलेस्टीनियन इम्प्रिजन्स इन कार्न इसराइल। तो यहाँ पर जो होस्टेजेस है वो क्राइसिस भी यहाँ पर सॉल्व होता दिख रहा है इस ट्रूस के थ्रू। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्यू सेड इसराइल वुड रेज्यूम द वॉर आफ्टर द ट्रूस एंड कीप फाइटिंग टू डेस्ट्रॉइंग हमास फाइटिंग एंड गवर्निंग एबिलिटीज। तो यहां पर नेतान्यू जी की तरफ से तो बिल्कुल भी कड़े शब्दों में बताया जा रहा है कि वो दोबारा से वॉर स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे आफ्टर 4 डेज सीज फायर। चलिए ये डेवलपमेंट किस तरीके से हो पाया है, यहां पर क्या क्या फैक्टर्स आए उनको डिस्कस करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस कंडक्ट हुआ है बिगिंस विथ 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर इसको शुरू किया जाएगा और आगामी 4 दिन तक ये रहेगा सीज फायर इसराइल और हमास के बीच में। 50 वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को फ्रीड किया गया है पैलेस्टीन की तरफ से, हमास की तरफ से, और 150 पैलेस्टीन को इसराइल ने यहाँ पर फ्रीड किया है। और सप्लाईज जो है, मेडिकल सप्लाई हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, सभी यहाँ पर गाजा के अंदर प्रोवाइड की जा रही है फॉर सिविलियंस, नॉट हमास टेररिस्ट। इट इज मेंशन्ड बाय द इजराइल्स दैट हमास के टेररिस्ट के पास में ये सप्लाईज नहीं पहुंचनी चाहिए। चलिए तो G7 नेशंस के मेंबर्स ने यहां पर मीट करके एक अपील किया था कि ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस लाए जाए गाजा में, जिससे सिविलियंस को इवैक्यूएशन में मदद मिले, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाए, और जो पीपल वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है उनको यहां पर सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। नेतान्यू हमास हिंट एट अ डील ऑन गाजा ट्रूस। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीफ जो है, जैसे नेतान्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है, हमास के चीफ कौन है, यू कैन सी इस्माइल हनीये इज द लीडर ऑफ हमास। ठीक है, और इन दोनों ने दर्शाया था कि ट्रूस के बहुत ही नजदीक है। हमास ऑफिशियल्स वर क्लोज टू रीचिंग अ ट्रूस अग्रीमेंट विद इसराइल एंड द ग्रुप हैज डिलीवर्ड इट्स रेस्पॉन्स टू कतरी इमीडिएटर्स। तो यहां पर कतर के बारे में क्यों डिस्कस हुआ है, क्योंकि कतर विच इज मीडिएटिंग इन द नेगोशिएशंस, दोनों इसराइल और हमास के बीच में नेगोशिएट किसके द्वारा किया जा रहा है, कतर के द्वारा नेगोशिएट किया जा रहा है। चलिए यहां पर मैप के बारे में बात किया जाए, किस सिचुएशन पर, कहां पर गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक कहां पर है, इसराइल कहां पर है, फिलिस्तीनियन पॉपुलेशन कहां पर है। चलिए गाजा स्ट्रिप देख सकते हैं, इस एरिया को यूज किया जाता है हमास के द्वारा टू लॉन्च अटैक्स ऑन इसराइल। ठीक है, इसराइल पे 5,000 रॉकेट्स जो दागे गए थे अक्टूबर 7 को, वो यहीं से ही दागे गए थे, और गाजा स्ट्रिप पे हमास के मिलिटेंट्स रिसाइड करते हैं। फिलिस्तीन की पॉपुलेशन मानी जाए तो गाजा के अंदर बिलोंग करती है, और कुछ फिलिस्तीनियन पॉपुलेशन जेरूसलम के आसपास रहती है। नेबरिंग कंट्रीज के बारे में डिस्कस करें, इजिप्ट, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन यहां पर स्टेक होल्डर्स हैं इसराइल के, और दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीक्स ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस
पोजस एंड कॉरिडोर्स इन गाजा। तो यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पारित किया जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था माल्टा के द्वारा, नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री है यहाँ पर माल्टा, उसने रेजोल्यूशन लाया। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, और ये रेजोल्यूशन 12 मेंबर्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया। 12 वोट्स यहाँ पर मिले हैं, तीन कंट्रीज ने यहाँ पर एब्स्टेनिज्म लिया है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। दिस तीन सुपर पावर्स, तीन P5 कंट्रीज ने यहाँ पर एब्स्टेनिज्म लिया है। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है इसके रिगार्डिंग। पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये धीरे धीरे टाइम बाय टाइम थोड़ी थोड़ी कम होती गई, और करंटली आप बात करें 1947 के बाद में, 1967 के बाद और 2020 के अंदर कुछ छोटे हिस्सों में ही सीमित रह गया है पैलेस्टीन। इस वजह से हमास, जो कि पैलेस्टीन के राइट को लेकर लड़ता है इसराइल से, उसे टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया इसराइल के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन पारित किया, 12 वोट्स उसको फेवर में मिले हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स और परमानेंट मेंबर कंट्रीज के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यहां पर एब्स्टेनिज्म लिया है इस कंट्रीज ने। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, और ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस को लागू करने की बात की गई है इस रेजोल्यूशन के अंदर। अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज होता है। नंबर 1 इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर 5 परमानेंट मेंबर्स। भारत इसका 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबर था, उसका टर्म एंड हुआ जनवरी 1, 2023 से। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड न्यू परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्री शामिल किए गए, और आउटगोइंग कौन कौन सी कंट्रीज थी, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे आर आउटगोइंग कंट्रीज फ्रॉम द नॉन परमानेंट मेंबर्स। अगर बात किया जाए भारत कितने बार मेंबर रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, 8 बार, ठीक है, और सबसे ज्यादा बात किया जाए कि नॉन परमानेंट मेंबर कौन रह चुका है, दैट इज जापान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 के अंदर यूएन चार्टर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 इयर्स के टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। भारत इसका 8 बार मेंबर रह चुका है। चलिए, तो आई श्योर डेट आप सभी को यहां पर एक ब्योरा मिला होगा कि किस तरीके से ट्रूज डील फाइनल की गई है दोनों नेशंस के बीच में, इसराइल और हमास के रिगार्डिंग। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेशर क्रिएट किया, G7 ने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया, दोनों चीफ्स बेंजामिन नेतान्यू और इस्माइल हनिये ने यहाँ पर बैठकर ट्रूस डिसाइड करने का फैसला लिया, जिसके द्वारा 4 दिन का सीज फायर अनाउंस किया गया है, 50 वुमेन्स और चिल्ड्रंस को फ्रीड किया गया बाय हमास, 150 पैलेस्टीनियन को फ्रीड किया है इसराइल ने। 4 दिन तक ये सीज फायर लागू रहेगा, और इसके रिगार्डिंग आगे डेवलपमेंट्स क्या रहेगी जो हम आपको अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स को जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के साथ में। सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, डिफेंस एस्पिरेंट के साथ में, इसराइल और हमास ने जो डेवलपमेंट्स है उसके रिगार्डिंग। चलिए, जल्द मुलाकात होगी अनअकैडमी पर। जय हिंद, जय भारत।